मेरी चिंता यह नहीं है कि आप विफल हो गए, बल्कि यह है कि कहीं आप अपनी विफलता से संतुष्ट तो नहीं हैं। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को कुछ समय और कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप हर समय सभी लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। आज से बचकर आप कल की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यदि आप एक बार अपने साथी नागरिकों का भरोसा तोड़ दें, तो आप फिर कभी उनका सत्कार और सम्मान नहीं पा सकेंगे। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। अगर शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचिए। शत्रुओं को मित्र बनाकर क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं कर रहा? मैं जो भी हूं या होने की आशा करता हूं, उसका श्रेय मेरी मां को जाता है। मित्र वो है जिसके शत्रु वही हैं जो आपके शत्रु हैं। जब मैं अच्छा करता हूं, अच्छा महसूस करता हूं। जब मैं बुरा करता हूं, तो बुरा महसूस करता हूं। यही मेरा धर्म है। मैं अपने बारे में यह कहलाना पसंद करूंगा कि जहां भी मुझे महसूस हुआ कि यहां फूल विकसित हो सकते हैं, मैंने हमेशा वहां झाड़ियों और कांटेदार पौधों को उखाड़कर फूलों को बोया है। शत्रु को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे अपना मित्र बना लो। एक नौजवान को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभव तरीके से अपना विकास करना होगा। ऐसा कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट हो सकता है। अगर कोई भी काम कोई व्यक्ति अच्छे से कर सकता है, तो मैं कहूंगा उसे करने दीजिए, उसे एक मौका दीजिए। मैं यह नहीं सोचता कि ईश्वर हमारी तरफ है या नहीं। हमारा ईश्वर की तरफ होना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ईश्वर हमेशा सही होता है। जो चीजें मैं जानना चाहता हूं वो पुस्तकों में है। वह व्यक्ति मेरा परम मित्र है जो मुझे वो पुस्तक देगा जो मैंने पढ़ी नहीं है। कभी भी व्यक्ति के चरित्र और साहस का निर्माण आप उसकी स्वतंत्रता को छीनकर नहीं कर सकते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति परेशानियों का सामना कर सकता है, पर यदि आप किसी शख्स के चरित्र का पता लगाना चाहते हैं, तो उसे सत्ता सौंप दें। मैंने हमेशा से यह पाया है कि कड़ी सजा या न्याय की तुलना में दया ज्यादा मीठे फल देती है। कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जीतने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं सही और सच्चे होने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जो लोग दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर बुराई मिल भी जाती है। अगर पहले हम यह जान लें कि हम कहां पर हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो हमें क्या और कैसे करना चाहिए, इसका निर्णय हम बेहतर रूप से कर सकते हैं। अंत में यह मायने नहीं रखता कि आपके पास जीवन में कितने साल बचे हैं, बल्कि उन बचे हुए सालों में कितना जीवन बचा है, यह मायने रखता है। प्रजातंत्र लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। कोई भी इतना काबिल नहीं है कि वो किसी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध हुकूमत कर सके। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास सफल झूठ बोलने वाला होने के लिए स्मरण शक्ति नहीं है। मैं धीमे चलता हूं, पर कभी वापस नहीं जाता। हर कोई लंबा जीना चाहता है, पर कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। उसे आलोचना करने का अधिकार है जिसके पास मदद करने का दिल है। मैं सिर्फ तैयारी करता हूं और किसी दिन मेरा मौका आ ही जाएगा। मेरा अनुभव रहा है कि वह लोग जिनमें कोई अवगुण नहीं होता, उनमें गुण भी बहुत कम होते हैं। बोलकर सभी संदेह दूर करने से अच्छा है कि आप चुप रहकर लोगों द्वारा मूर्ख समझे जाएं।
आप जो कोई भी हो, एक अच्छे इंसान बनो। अगर कुत्ते की पूंछ को पैर कहें तो कुत्ते के कितने पैर हुए? 4। पूंछ को पैर कहने से वो पैर नहीं हो जाती। पक्का कर लीजिए, आश्वस्त हो जाइए कि आपके पैर सही जगह पर हैं, फिर डट कर खड़े रहिए। मतपत्र बुलेट की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है। आमतौर पर लोग उतना ही खुश होते हैं जितना वे अपने दिमाग को इसकी इजाजत देते हैं। जो लोग दूसरों को स्वतंत्रता से वंचित रखते हैं, वे खुद भी इसके लायक नहीं हैं। मानव क्रिया को कुछ हद तक संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मानव स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का एकमात्र आश्वासन नैतिकता और धर्म में हमारी नींव रखना है। एक बुरे कानून को खंडित करने का सबसे अच्छा तरीका इसको कड़ाई से लागू करना है। मैंने महान लोगों से बात की है और मुझे नहीं पता कि वे दूसरों से कैसे भिन्न हैं। सच्ची देशभक्ति गलत प्रकार की धार्मिकता से बेहतर है। औरत ही एकमात्र प्राणी है जिससे मैं ये जानते हुए भी कि वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी, डरता हूं।